नमस्कार, तस्वीरें आप देख सकते हैं हरियाणा के करनाल से और CIA 2 के इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कल रात को बॉडी बरामद होती है, बड़ी बुरी तरीके से मर्डर किया जाता है। एक महिला है जिनके जो है पति की हत्या होती है और ये जो है उनके बुआ के लड़के बताए जा रहे हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं कि दोनों पुलिस की गिरफ्त में है। CIA 2 की ये तस्वीरें और बताया जा रहा है कि पत्नी के द्वारा ही जो है बुआ के लड़के के साथ जो है मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जानकारी है जलाला वीरान गांव के ये रहने वाले हैं और बुआ का लड़का कहीं और किसी जगह का रहने वाला है। और यहां पर आप देख सकते हैं फिलहाल किस तरीके से जो है दोनों यहां पर जो है कहीं ना कहीं CIA 2 में नजर आ जाएंगे। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। आप फिलहाल देख सकते हैं CIA 2 ने जो है बीती रात को बॉडी मिलती है और आज इस मामले को सुलझा लिया है। बताया ये जा रहा है कि सर पर वार किए गए थे और गले पर जो है वार किए गए थे दोनों। आप देख सकते हैं आपको दिखाई देंगे बुआ का लड़का बताया जा रहा है और साथ में पत्नी जो है बताई जा रही है। जलाला वीरान गांव में एक बड़ी मर्डर की वारदात होती है जिसमें गले पर जो है जो बॉडी मिलती है उसमें कट देखे जाते हैं, उसके साथ साथ सर पर वार किया जाता है। CIA 2 ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया है। CIA 2 से इंचार्ज है मनोज जी, उनसे बातचीत कर लेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ जिस तरह से पुलिस ने कल रात इन्फॉर्मेशन मिली थी कि बिट्टू नाम के एक नौजवान लड़के की नहर पर डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर मौके पर पुलिस और हमारे उच्च अधिकारी और FSL टीम के साथ मुआयना किया गया था और सत्य आधार पर हमने इसके जो इसी के घर में रहने वाले इसके मामा का लड़का जो सोनू है उसको उससे पूछताछ की। उसने इस बात को कबूल किया कि उसने और बिट्टू की पत्नी ने मिलकर साजिश रच के और उसकी हत्या की। क्यों सर साजिश रची है? साजिश इसका जो बिट्टू की पत्नी का अपने जो इसके रिश्तेदारी का इसका देवर लगता है, इससे कोई आपस में प्रेम प्रसंग होने की वजह से इनकी जो रिलेशनशिप हो गया था, जिससे नजदीकी ज्यादा होने की वजह से इसको रास्ते से खत्म करने के इरादे से इन्होंने इसको किस चीज का इस्तेमाल किया गया सर? इन्हें कोई तेज धार हथियार का इस्तेमाल किया। जान चल रही है सर? हाँ, तफ्तीश जा रही है। और बॉडी सर नहर पे कैसे पहुंची, नहर के नजदीक क्या किया था इन्होंने, वहाँ पे जाके मारा है कैसे हुआ? हाँ, नहर के नजदीक उसको लेकर गई थी। परिवार में ही जो ये सोनू है इसके मामा का लड़का है, पिछले 10-12 साल से आना जाना रहता है और ये अभी भी आया हुआ था। दोनों ये सब मजदूरी करते हैं, परिवार में एक ही परिवार में रहते हैं और विश्वास था आपस में, और इसके लिए वहाँ पर गए थे कुछ खाने पीने का बहाना बना के, तो वहाँ इसको उस विश्वास में लेकर बैठे हुए वार कर दिया, जो अभी इसकी पूछताछ में सामने आया है और इसके बारे में तफ्तीश जारी है, गहनता से जाँच की। जो आरोपी है उसका नाम सोनू है और जो मृतक की पत्नी नीरज है, दोनों बिट्टू। तो किस किन धाराओं में मामला दर्ज किया गया? रात ही हमने स्टेटमेंट लेकर 302-201 में पर्चा दर्ज कर। शिकायतकर्ता कौन था सर रात को, क्योंकि रात को तो ब्लाइंड मर्डर था ये? हाँ, रात को ब्लाइंड शिकायतकर्ता कौन? परिवार का, इसके पिताजी थे। इसके पिताजी थे, परिवार ने भी कुछ आशंका जताई थी कि? नहीं, परिवार ने कोई आशंका नहीं जताई थी, उन्होंने ब्लाइंड मर्डर की ये था। जब आगे की क्या कुछ कार्रवाई की? अभी तफ्तीश जारी है, जैसे जैसे कोई पूछताछ आएगी और इस यदि इस घटना में और कोई इन्वॉल्व होगा तो उसको भी निश्चित तौर पर गिरफ्तार किया। इनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी है सर? जो आपराधिक रिकॉर्ड जो चेक किया अब तक नहीं आया, लेकिन ये जो सोनू है कांगड़ा हिमाचल का रहने वाला है, वहाँ से कोई अलग से कोई चीज मिलती है तो इसके संबंधित थाने से तो वहाँ से भी जांच कराया जा रहा है। सर ये काफी सालों से यहीं पर रहता था और अपनी भाभी से इसका अफेयर चल रहा था, अब तक की पूछताछ में ये बात आई है और गहनता से पूछताछ की जाएगी, अफेयर की बात इन्होंने कबूली है। बता रहा है करीब, वैसे तो इनका आना जाना तो पिछले 10-12 साल से है और 2013 में बिट्टू की शादी नीरज के साथ हुई थी और ये आता जाता रहता था, परिवार के सदस्य की तरह रहता था और इन्होंने माना कि पिछले करीब 2-3 साल से इनकी आपस में रिलेशनशिप। आपको इस सर कोई मुख्य कारण था कि इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया कि कोई मुख्य कारण? तो बस ये था भाई, हम आपस में मिलजुल कर रहे और इसको रास्ते से खत्म कर देते हैं। फिलहाल आप समझिए कि जो बुआ का लड़का ये बताया जा रहा है देवर जो है ये लगता है इस महिला का, और महिला और देवर के बीच में पिछले कई सालों से बताया जा रहा है लगभग 2-2.5 साल जो है इन्होंने, फिलहाल जानकारी सामने आई कि एक लव अफेयर जो है वो चल रहा था और कल रात को जो है अपने पति को विश्वास में लेकर बालू नहर के बिल्कुल नजदीक ये खेत बताए जा रहे हैं जहाँ से बॉडी मिलती है, बाइक भी वहीं पर मिलती है और वहीं पर इन्होंने इस हत्या को अंजाम दिया। जानकारी
जो है यही सामने आ रही है कि जो ये आरोपी है, मुख्य आरोपी जो लड़का है, वो कहीं कांगड़ा हिमाचल का रहने वाला और लगभग 10-12 सालों से इस परिवार में आना जाना है, यहीं रहा करता था। और जो आप समझिए कि जो पति मारा गया है, बुरी तरीके से उसकी हत्या होती है, गले पर निशान देखे जाते हैं, गला कटा हुआ मिलता है, उसके साथ साथ सिर पर जो है ये निशान मिलते हैं। धारदार हथियार से वार किया गया, पत्नी ने अपने ही पति की, अपने आप कह सकते हैं प्रेमी के साथ मिलकर जो है निर्मम हत्या कर दी। तस्वीरें हरियाणा के करनाल से है, करनाल की CIA2 से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कल रात को ये बॉडी बरामद होती है जलाला विलार गांव के रहने वाले व्यक्ति की। और फिलहाल पुलिस ने इस मामले को तुरंत कार्रवाई करते हुए सुलझा दिया और दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया है। तस्वीरें हरियाणा करनाल की। मैं आरती से योगी अमन गौर के साथ जनता ब्रेकिंग न्यूज़ पर आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।